दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट कैलासरे। अब बात करते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को 498 ए और 404 आईपीसी से बचना है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस पर मैं इस वीडियो पे पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। अगर मान लो दोस्तों किसी भी पति पत्नी पर का एक मैटर है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बोल चाल या विवाद बढ़ जाता है, पत्नी अपने मायके की चली जाती है और पति उससे बहुत कोशिश करता है लाने की, लेकिन जब पत्नी ससुराल या पति के पास नहीं आती है तो पति के दिमाग में ये चलती रहती है कि बहुत सारे ऐसे केसेज है कि वो मुझे 498 या 404 आईपीसी के सेक्स में या दहेज प्रताड़ना के केस में ना फंसा दे या 125 का खर्चा नहीं मांग ले। अगर उससे बचना चाहते हो दोस्तों, उससे पहले अगर आप बचना चाहते हो तो बिल्कुल इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बिल्कुल 498 ए और 404 आईपीसी से आप बच सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, कभी फैसला हो जाता, फैसला होने के बाद भी लड़की 498 ए और 404 आईपीसी में केस महिला थाना में दर्ज करा देती। लेकिन दोस्तों अगर इससे बचना है तो आपको, अगर आपको आपकी पत्नी से बचना है और आपको अपनी पत्नी को रखना है तो बिल्कुल आप सेक्शन 9 में जाकर उसे लाने का दावा आप ला सकते हैं, जिससे कोर्ट में ये बात आप रख सकते हैं, आपके वकील के माध्यम से ये बात रख सकते हैं कि मैं इस लड़की को रखना चाहता हूं और मैं इस लड़की को वापस लेना ले जाना चाहता हूं। किसी भी कारण विवाद है या नहीं जाना चाहती या मुझे तलाक दे या मुझे मेरे साथ से भेजे, कोर्ट को वकील के माध्यम से खुद रख सकता है। मान लो उस स्थिति में वो लड़की सेक्शन 9 में मना कर देती है, सेक्शन 9 में कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती और मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती, तो ये मान लो वही आपकी जीत हो गई। उस सेक्शन 9 में अगर वो लड़की नहीं जाना चाहती, उसमें जवाब दे दिया है पहले, उसके बाद में अगर वो 498 और तो 406 आईपीसी में दर्ज प्रताड़ना का केस दर्ज कराती है तो वो चलने योग्य नहीं है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, अगर इस तरह की घटना होने के बाद सेक्शन 9 का आप दावा लाते हो, दावा लाने के बाद भी वो एप्लीकेशन देती है महिला थाने में। अगर मान लो आपके खिलाफ 498 ए और 406 आईपीसी में केस दर्ज भी हो जाता है तो उसमें आपको पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेशन करता है उसके पास में आपका पक्ष रखने का आपके पास उपाय है। आप ये कह सकते हैं कि मैं इस लड़की को ऑलरेडी फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 का दावा कर रखा है, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है और आगे अगर शिकायत है तो आगे दोनों मिल बैठ के इस शिकायत को दूर कर लेंगे। मान लो सारी चीज़ें होने के बाद पुलिस आपको तंग करे, नहीं नहीं आपको ये लाना है नहीं, तो आप बेझिझक सेक्शन 9 सर्टिफाइड कॉपी लेकर आप हाई कोर्ट 482 में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में ये सारी बात रख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी सेक्शन 9 का दावा कर रखा हूं कि मैं ले जाना चाहता हूं, अभी भी यहां से भी ले जाना चाहता हूं, इसलिए मुझे बिना वजह तंग कर रही है 498 का केस करके, 406 प्रताड़ित करने का केस करके, हमारे परिवार हम द्वारा इसी प्रकार की कोई घटना इसके साथ कारित नहीं की है। इसलिए दोस्तों आपके पास केवल मात्र ये उपाय है, आप सेक्शन 9 का दावा कर पुनर्स्थापना, विवाह पुनर्स्थापना का दावा लाकर आप उस केस को जीत सकते हैं, उस केस से आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए, नॉलेज नए नए कानून से संबंधित जो वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।